आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज हम फिर से हमारे सेक्सुअल वेलनेस के बारे में, जो हम अडोलसेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हस्त मैथुन का इलाज क्या है। तो सबसे पहली उसके अंदर इलाज दिमाग से ही शुरू होता है, क्योंकि दिमाग जिसने कंट्रोल कर लिया है वही हस्त मैथुन का इलाज कर सकता है। हम बात कर रहे हैं हस्त मैथुन की आदत छोड़ने वाले इलाज की। अगर हम बात करें कि हस्त मैथुन के होने वाले नुकसान का इलाज क्या है, वो चीज़ अलग है, हम उसकी बात कर लेंगे। पर मॉडर्न साइंस है वो आयुर्वेदा और भारतीय साइंस को मान ही नहीं रही है। अगर मॉडर्न साइंस के डॉक्टर की आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करोगे, वो मानते नहीं है कि हस्त मैथुन कोई बीमारी है या आदत है या इससे कोई नुकसान होता है। पर आपको फिर वो इलाज के लिए भी बोल देते हैं, इम्पोटेंसी के इलाज के लिए भी दवाइयाँ दे देते हैं। ऊपर से स्टैंड ही नहीं उनका क्लियर है कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दवाइयाँ क्यों खिला रहे हो पेशेंट को? अगर हस्त मैथुन का दिमाग के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है, कंसंट्रेशन के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है, तो फिर आप दवाई क्यों खिला रहे हो उनको जब कोई नुकसान ही नहीं है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है ना। पर हम स्टैंड करते हैं भारतीय साइंस आयुर्वेदा के साथ। तो हस्त मैथुन के नुकसान हैं, दिमाग के ऊपर भी है, लिंग के ऊपर भी है, नपुंसकता भी आ जाती है। हमारा एक ही स्टैंड है, हाँ या नहीं वाला नहीं है उनकी तरह। तो इसका इलाज क्या है? अगर दिमागी तौर पे इलाज की बात करें तो दिमाग से ही कैसे कंट्रोल करें हम? देखिए, जैसे कि कई लोगों को स्वप्न दोष होता है। स्वप्न दोष के अंदर क्या होता है, वो ना ही लिंग को हाथ लगा रहे होते हैं, ना ही अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं, ना ही वो सेक्स कर रहे होते हैं, पर वो सपने में सेक्स कर रहे होते हैं। लिंग से हाथ उनके दूर हैं, लिंग के आसपास भी नहीं है, वो सपने में सेक्स कर रहे हैं, पर तभी उनका वीर्य लिंग से बाहर हो जाता है। इसका मतलब दिमाग के अंदर अभी भी पावर है। अगर कोई हस्त मैथुन कर रहा है तो वो दिमाग से छोड़ना पहले शुरू करे, इस चीज़ को दिमाग को ट्रेन करें, दिमाग को सख्त बनाए, दिमाग को हार्ड बनाए, अपने अंदर सोच को पैदा करें। क्योंकि अगर स्वप्न दोष सपनों में ही सोचने से वीर्य बाहर हो सकता है, तो दिमाग के अंदर आप स्ट्रांग बिलीफ बनाकर इसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, वो बात अलग है, इससे डोपामीन पैथवे अफेक्टेड होता है। पर आप अगर दिमाग में सोच गए तो इसकी आदत हस्त मैथुन की दिमाग से ही छोड़ सकते हैं आप। दवाइयों की इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी दवाई की, ना होम्योपैथी की दवाई की, ना आयुर्वेदा की दवाई की, ना ही उसकी इंग्लिश दवाई की। इंग्लिश की दवाई की तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मानती नहीं है हस्त मैथुन का कोई साइड इफेक्ट है। इसलिए अगर कोई बोल रहा है आपको हस्त मैथुन की ये दिमाग की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं दवाई देता हूँ, तो आप दवाई मत ही लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोला है कि भाई नुकसान ही नहीं है, फिर दवाई क्यों लें हम? तो हम यही मानते हैं दिमाग से ऐसे कंट्रोल होता है, आप इसको रोक सकते हैं। अब बात करते हैं हस्त मैथुन के इलाज की। हस्त मैथुन से होने वाले जो दूसरे नुकसान है, जैसे लिंग के अंदर अगर ऊपर आपको नीली नसें दिखने लग गई हैं, तो आपको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि नीली नसें दिखने का मतलब है उसके अंदर खून रुकेगा नहीं। जैसे गुब्बारे में हवा नहीं रुके, उस पे कोई छेद हो जाए, जहाँ रबड़ जो चढ़ाते हैं वो थोड़ी ढीली हो जाए, सारी हवा धीरे धीरे निकल जाती है, गुब्बारा पिचक जाता है। ऐसे ही इसके अंदर खून डालता है शरीर ऑटोमेटिकली। अगर ये खून रुका रहता है तो लिंग पूरा खड़ा, पूरा तनाव आता है। इसके अंदर छेद हो जाए, जहाँ ये खून ना रुका रहे, तो सारा लिंग है बैठ जाता है, पतला हो जाता है। नीली नसें ये वही छेद हैं, वही रबड़ हैं जो गुब्बारे पे चढ़ाते हैं। अगर नीली नसें दिखने लगी हैं तो आपके लिंग के अंदर तनाव नहीं आएगा, तनाव आएगा भी तो साथ की साथ ही वो ढीला हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हस्त मैथुन करने से आप स्ट्रेस में चले गए हो, आपको कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया है, तो उसके इलाज की आपको ज़रूरत है। जैसे विटामिन डी ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, बी ले सकते हो, तो ये सारे आपको त्रिफला पाउडर में से मिल जाएंगे। विटामिन बी आपको वीट ग्रास पाउडर में से मिल जाएगा, और विटामिन सी आपको अकेले आंवले से भी मिल जाएगा। तो ऐसे त्रिफला पाउडर है, आंवला, वीट ग्रास लेकर आप विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो, जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे। हाँ, कभी कभी इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं, डोपामिन सिस्टम के ख़राब होने की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन हस्त मैथुन से ख़राब होता है, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, कमर में दर्द होने लग जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है,
इनके लिए अलग से हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो हस्तमैथुन के नुकसान के इलाज की आपको ज़रूरत है, आप माहिर आयुर्वेदा डॉक्टर या होम्योपैथ से मिलकर अपने जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उनको रिकवर कर सकते हैं, उनसे चेकअप भी करवा सकते हैं, रिकवरी है। इंग्लिश मेडिसिन मैं नहीं मानता कोई लेने का फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया इसके कोई नुकसान ही नहीं है। अगर नुकसान ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता फिर दूसरी साइड क्यों चले जाते हैं कि आप हमारे से इलाज लीजिए, जहाँ हम इलाज करते हैं तो इलाज किस चीज़ का करते हैं आप तो मानते नहीं हो कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम मानते हैं, हम आयुर्वेदा जो भारतीय साइंस है एक ही जगह स्टैंड लेते हैं और उसका हम मॉडर्न साइंस के साथ मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, वो चेक भी कर सकते हैं। जैसे हस्तमैथुन से वेरिकोज वेन होती है, तो वेरिकोज वेन आप ऑनलाइन जाके सर्च करिए, वेरिकोज वेन होती क्या नीलीना से, कहीं पर भी आ जाएँ तो क्या होता है उनसे। आप डोपामीन को पढ़िए ऑनलाइन जाकर, डोपामीन क्या होता है। आप प्रोलैक्टिन को पढ़िए हो ऑनलाइन जाकर, आपको पता है प्रोलैक्टिन क्या होता है। तो आप, हम कंपैरिजन करके बताते हैं आयुर्वेदा साइंस को, भारतीय साइंस को। हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।